गम न रहे कोई, हो खुशियों की बौछार, कौन नहीं चाहेगा हो ऐसे दिन और रात। तो क्या आप अभी भी अपने उस परफेक्ट लम्हे के इंतजार में हैं, या सब कुछ होते हुए भी एक नाखुशी या उदासी सी है? तो देखते हैं कहानी में एक औरत को अपनी ऐसी समस्या का हल कैसे मिला। एक गांव में एक औरत रहती थी जो हर समय नाखुश रहती थी। उसके आसपास के लोग उसे खुश करने की कोशिश करते पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर एक पड़ोसी ने बताया कि गांव के बाहर एक गुरुजी रहते हैं, तुम उनसे मिलो। वो औरत उन गुरुजी से मिलने गई तो गुरुजी से बातचीत हुई। उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की तो उस औरत ने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं और वो दोनों की शादी हो चुकी है। एक बेटी का छाते बनाने का कारोबार है और दूसरी बेटी का पतंगे बनाने का कारोबार है। तो जब बारिश होती है या बर्फ का मौसम पड़ता है तो उसे ये चिंता हो जाती है कि जो बेटी पतंगे बनाती है उसका तो कारोबार चल ही नहीं रहा होगा, और ये सोच के वो उदास हो जाती है। और ऐसे ही जब मौसम अच्छा होता है तो वो ये सोच के चिंता में हो जाती है कि जो बेटी छाते बनाती है उसका कारोबार नहीं चल रहा होगा। तो गुरुजी ने उसकी बात सुनी और उनसे थोड़ी देर सोच के कहा कि तुम्हारी समस्या का हल तो बहुत आसान है कि जब बारिश होती है या बर्फ पड़ती है तो तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जो बेटी छाते बनाती है उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि छाते के बिना तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता। और ऐसे ही जब मौसम अच्छा होता है तो जो बेटी पतंगे बनाती है उसका कारोबार अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि सब लोग बाहर मौज मस्ती कर रहे होंगे, पतंगे उड़ा रहे होंगे। ये सोचते ही उस औरत के दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, जैसे वो अंधेरे से उजाले में आ गई हो और वो बहुत ही सब कुछ खुशनुमा लगने लगा। तो हुआ क्या, उसके आसपास तो कुछ भी नहीं बदला, उसका सोचने का ढंग बदल गया, उसका नजरिया बदल गया। तो सवाल ये है कि हम अपना नजरिया कैसे बदलें। इसी के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज एक फॉर्मूला, +3C and -3C। +3C वो चीजें हैं जो सी से शुरू होती हैं और हमें अपने जीवन में जोड़नी है। -3C वो चीजें हैं जो हमें अपने जीवन से निकालनी है। तो पहले क्या करें, चलें +3C ही करते हैं। तो पहला सी है काउंट, यानी गिनना। अब गिनना क्या है, गिननी है अपनी ब्लेसिंग्स, बरकतें। ये सच है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर सबको कुछ कुछ जरूर मिलता है। इस कुछ कुछ से अपनी झोली, खुशियों की झोली को भरते जाइए। ब्लेसिंग्स जरूरी नहीं है कि मटेरियल फॉर्म में ही हो, जैसे प्रॉपर्टी, पैसा, जॉब वगैरह। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। अगर आपके अंदर पीस ऑफ माइंड, पेशेंस, दया, प्रेम जैसे भाव हैं तो आप कुछ लकी लोगों में से हैं, क्योंकि ये रूहानी बरकतें सबको नहीं मिलती। और उन नेचुरल ब्लेसिंग्स का क्या, वो साफ सुथरा पानी पीने का, खुली हवा, आसपास हरियाली, चहचहाती चिड़ियां। अगर ये ब्लेसिंग्स भी हैं तो इन्हें भी अपनी झोली में भरते जाइए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं मिला है, तो मुझे लग रहा है कि हमारी ब्लेसिंग्स की झोली, खुशियों की झोली भरती जा रही है और ना खुशी के बादल भी छटने लगे हैं। दूसरा सी है कम्युनिटी, यानी समाज। समाज तो कई रूप में हो सकता है, परिवार, दोस्त, मोहल्ला, बढ़ते बढ़ते देश और पूरी दुनिया। ये समाज जो है हमारे लिए पॉजिटिव पावर लेके आता है। कौन भूल सकता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताए वो हंसी खेल के पल। गम हो जाते हैं कम और खुशियां हो जाती हैं दुगनी, जब ये रहे पास हर पल। तो ये है हमारे समाज की ताकत, यानी समाज है तो हम हैं और हम हैं तो समाज है। एक एक भी जरूरी है और अनेक भी जरूरी हैं। देखा जाए तो समाज केवल दो वैल्यूज पे ज्यादा टिका हुआ है, शेयर एंड केयर। शेयर करें और केयर करें। अगर ये नहीं होता तो शायद ह्यूमन रेस कब से खत्म हो चुकी होती। इसलिए अपने समाज से जुड़े रहें और अकेलेपन, अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन के जैसी बीमारियों से दूर रहें। तीसरा सी है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। रचनात्मकता हमारे जीवन का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। ये एक वो सुपर पावर है, डिवाइन पावर है, जो खुद क्रिएटर ने हमारे अंदर डाली है। आसपास की हर चीज में क्रिएटिविटी है, हमें सिर्फ अपनी क्रिएटिव इंस्पिरेशन को ढूंढना है। ये जरूरी नहीं है आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक वगैरह में ही हो, साइंस,
मैथ्स, एक्सप्लोरेशंस, दूरबीन से प्लैनेट्स वगैरह देखना, हर चीज में क्रिएटिविटी है। सच तो ये है कि क्रिएटिव लोग कभी ना खुश नहीं हो सकते, बोर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता बोर होने का, उनके दिमाग में नई नई चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों, बातचीत अभी जारी रहेगी, ख़त्म नहीं हुई है। -3C लेकर हम पार्ट 2 में आपके साथ आएंगे ऑफ डिकोडिंग अनहैप्पीनेस। तब तक मनाते रहिए खुशियों के त्यौहार, यही है शुभकामनाएं बार 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 बार, और दिल खोल कर कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि कोई भी इन खुशियों के त्योहारों के मौसम में ना खुश ना रह जाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।